अस्सलामुअलैकुम, खुशामदी सबाग्राम, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश है। बस ब्लॉग इतने दिन नहीं आए थे, आप सबको रीज़न पता होगा और कल आप भाई भाभी के ब्लॉग में सब कुछ देख चुके होंगे, तो आप सबको वैसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जो है वो बन गए हैं और भाई भाभी का प्यारा सा बेटा हुआ है। लेकिन सिचुएशन थोड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि ठीक भी थी और करनी भी नहीं थी कुछ, बहुत अभी भी आप सबकी दुआओं की जरूरत है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो डे बाय डे बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक दिल में वो रहता है कि जल्दी से बस घर आ जाए, घर आ जाए। तो इसीलिए हमने ज़्यादा भी उसकी कोई खुशी नहीं की है, बस अल्लाह से ये दुआ की है कि अच्छे से वो एकदम घर ठीक होके आ जाए। तो यही था कि आपको अपडेट देना था। आप सबको लग रहा होगा कि भाई भाभी का बेबी वहाँ पे हुआ है, मौदहा में है, लेकिन आप सबको ये बताना था कि जब बेबी हुआ था तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त वहीं पे थे, दो दिन हम वहाँ पे रहे हैं। और भाभी की ये तमन्ना थी शुरू से, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाती हूँ। भाभी ने कहा था जब मेरी डिलीवरी होगी तब तो वही होगी ना, तो मैंने कहा हाँ भाभी। और आप ये देखिए, अगले दिन हमारी ट्रेन थी, हमारा रिजर्वेशन था दो दिन बाद का, 5 का हमारा जो है वो टिकट था। अगर हम बैठ गए होते तो पता नहीं फिर हम मतलब आते फौरन लौट के इंशाल्लाह, लेकिन वो एक टाइम जो था वो हो जाता, लेकिन उस वक्त हम इत्तेफाक से वहीं थे और हमारे सामने हुआ, बस हम अभी हाथों में नहीं ले पाए हैं। तो वही तो हम लोग इसलिए अभी यहाँ पे आ गए थे क्योंकि हमें ईद यहाँ पे इस बार करनी थी। भाई ने बोला कि जाके करके आओ, और अभी इस वक्त क्या है कि भाभी हॉस्पिटल में है और बेबी भी अभी आया नहीं है, मतलब वो अलग से रूम में है। हाँ। तो अभी इतना ज्यादा हमारा मतलब कोई वहाँ जरूरत नहीं थी। और सनी की बाजी को भी आना था तो वो भी बहुत टाइम बाद यहाँ पे आ पाती हैं, तो उनको पिक करने भी हमें लखनऊ जाना था। हाँ। और इंशाल्लाह इस पिछली ईद भी हमने यहाँ पे नहीं की थी, तो इस बार की ईद भी हम यहाँ पे करेंगे। ये स्पेशली हमारी पहली बार। हाँ, तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह।